निर्जला एकादश का बहुत बड़ा महत्व है। अपने सनातन धर्म के अंदर लोग इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी लोग जितनी इस समय सेवा कर सकते हैं जनता की और उसे सेवा करते हैं। इस उपलक्ष्य में ज़्यादातर लोग बाग आज के दिन शरबत पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं। हम लोग भी हमारी संस्था द्वारा सभी साथी मिलकर आज के दिन हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं और जनता के लिए ठंडा पानी ये शरबत पिलाते हैं और सभी लोग जाते हैं। सर, धार्मिक महत्व तो ये है कि निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है और ये महत्व ऐसा है कि इसके बारे में जो निर्जला एकादशी एक बार जो कर लेता है उसको कई फायदे मिलते हैं और भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलता है। जैसे तो अभी इतनी ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर यह है कि निर्जला एकादशी का मतलब जो एक बार जो व्रत कर लेता है उसको बहुत फायदा होता है इसका। और ये बड़े माह की एकादशी है, इसको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़े माह की एकादशी होती है ये, इसलिए इसको लोग बढ़ चढ़ के मनाते हैं। और इस बार चूंकि दो है, एक कल भी मनाई थी और आज है, आज भी मना रहे। कई जगह एक मनाई, कई जगह दो मनाई। आज स्पेशली आज गोविंद देव जी के लिए ये निर्जला एकादशी गोविंद देव जी महाराज के लिए आज जयपुर में मनाई जा रही है। कल जिन्होंने मनाई वो खाटू श्याम जी के नाम के लिए मनाई। तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग जैसे हमारे पंडित लोग और जैसे लोग बताते हैं हिंदू धर्म में, जैसे सनातन धर्म में, उस हिसाब से लोग इसकी मान्यता रखते हैं। और ये एक पुण्य का काम है कि आज के तारीख में गर्मी भी है और लोग बाग इतनी भीड़ में, तो एक शरबत का पिला कर उनको थोड़ी सी आत्मा को शांति, जन सेवा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पे निर्जला का व्रत किया जाता है जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं। इसमें हालांकि पानी नहीं पिया जाता है निर्जला एकादशी में, लेकिन लोग शरबत वगैरह काफ़ी हमारे राम श्याम क्षेत्र सत्संग मंडल बना रखा है, इसके द्वारा हम हर साल करीब 5-7 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं रेगुलर, जो लोगों को शरबत पिलाते हैं। और हमारे सभी मित्रगण हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। आज का बड़ा पुण्य है हमारे सनातन धर्म में, निर्जला एकादशी बहुत ही पुण्य माना गया है। वर्ष में एक बार यह उपलक्ष्य होता है और सभी लोग जितना हो सके दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं। सबसे पुण्य है परमात्मा का जो आप मिलन होता है, कोई भजन के माध्यम से करता है, कोई किसी दान पुण्य करता है। हम लोगों ने भी ये बीड़ा उठाया कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग इसका मिल्क रोज का कार्यक्रम सबके सहयोग से हो रहा है। ये और सनातनी धर्म हम लोग है यहाँ के, हमने राम श्याम सत्संग मंडल बना रखा है जो समय समय पर ऐसा आयोजन करता रहता है।